का फुद्दू मुद्दा फुद्दू फैंस को बोल के कटवा रहे हैं फुद्दू खुद का ऐसी तैसी उठा दूं मैं। अबे मेरे घर आ रखे वो मेरे पास इस फ्लैट का माइगेट अकाउंट का एक्सेस है। जो भी इस घर में गेस्ट आता है ना उसको मेरा अप्रूवल चाहिए होता है। एल सॉन्ग भाई तुम मराओ सॉन्ग ऑफ द ईयर। थोड़ी देर पहले ही जब मैं अपनी एवरेज मिडिल क्लास पेरिस ट्रिप पे गया था, पहले लंदन फिर उसके बाद मैनचेस्टर फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड फिर उसके बाद पेरिस फिर उसके बाद इटली जाना था, बट क्या है पासपोर्ट गुम गया। मैं पुलिस स्टेशन में था पेरिस के, वहां पे सारी ऑफिसर्स फीमेल्स है, सारी ऑफिसर्स फीमेल्स है वहां पे। मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था और सारी की सारी हॉट है भाई। इंडिया हारे भाई उसको कितने दिन हो गए। और जो भी बात है वो अपने प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं ना, चोकर्स बोल रहे हैं, भाई हैव सम काइंडनेस, शो सम काइंडनेस, हम अगला वर्ल्ड कप जीतेंगे पक्का। चोकर्स इंडिया वॉर्ड्स इसकी जिंदगी तबाह कर दो, जिसने ही चोकर्स बोला ना इसको परमानेंट बैन कर दो। वॉर्ड्स प्लीज इसकी बंदी दो, लर्न सम काइंडनेस ओके। इंस्टा पे कौन था, कौन भाई इंस्टा पे कौन? Gang is what I trust. Shred up. Don't argue, we don't fuss. That's what I'm talking. He get. Bhai, touch the girl. Yehi hai, bhai. Yehi hai. Touch. Shred up. He has been squatting. Vedant has been squatting. अब तू आएगा इतना बता दे। मैं जब भी आऊँगा वापस न जाऊँ। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? What do you mean कैसे? भाई free kick लेनी नहीं आती क्या? एक अच्छी power kick and bro is in Bangladesh. Surely this doesn't count as bullying, but nah bro, nah. I'm not bullying him. Nah, I'm doing charity bro. भाई मैंने एक बार मुट्ठी मारने के बाद भी करी थी, जब मुझे बुरा लगता है ना मैं charity कर देता हूँ। Handicap charity बताओ। Half Render Foundation, Samarthan Trust for the Disabled। हाँ हो गया। मेरे वाले का बड़ा है। Listen, it doesn't matter. 90% बंदियों को 10% लेने में gag reflex हो जाता है. So you are all safe. चूचो की बात हो रही है. कहाँ से चूचो की बात हो रही है? तेरी बंदी पे एक ही चूचा है. तू Galactus है. तूने एक पूरा चूचा devour कर लिया. भाई ऐसा लग रहा है वो dentist के है. That's right. Bro, you can just see the Kanye West influence. 10 साल पहले Kanye West माइक पर वर्ड्स बोल रहा था, आज Travis Scott माइक पर वर्ड्स बोल रहा है. There is no water without Kanye West. ये है ना ये, ऐसे 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 नहीं. Okay. ऐसे 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 ठीक है? एक बार वापस बता. ऐसे 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 ठीक है? ठीक है. आया. Can confirm it works. क्या हो गया? Bro, what do you mean? What the? अपने dog को मैं spider webs shoot करना सिखा रहा था. What do you mean? What the? What do you mean? Ayo. He can't say the N word, so he hired a guy to say it. I don't know what's going on, but you need to have my money right now. Empty your pockets, get my money right now. Well, I thought we were cool. Why are you tripping, nigga? Hey, dude, forget that. If you don't have my money right now, I'm gonna put 3 hot ones in you right now, dude. Where my money at? Now you threatening me? Nigga! Please. Man, forget that, dude. You need to listen, nigga. You get your money next week. Nigga. So quit acting like a bitch ass. Nigga. Bro, this guy purchased an N-word subscription. Bandra mein 1 BHK 99 lakhs mein dhoond rahe ho. तो आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा 1 BHK 99 लाख में बैंड्रा में. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है बॉस. यस, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है. 99 लाख 1 BHK. यह है किचन. यहाँ पे अगर आपको पार्टीशन चाहिए आप लगा सकते हो. ओपन चाहिए मोस्ट वेलकम. यह है कॉमन वॉशरूम. भाई इतने में मैं खेत ना ले लूं राजस्थान में. एंड द थिंग इज इस पूरे घर में 1 मिलीमीटर नेचुरल लाइट नहीं आ रही. यू जस्ट नो ये किसी तेल के फैक्ट्री के पीछे बना हुआ है, किसी स्लम रिहेबिलिटेशन के पीछे. बिकॉज देयर इज नो वे बैंड्रा वेस्ट में 99 लाख का तुम्हें 1 BHK मिलेगा. बैंड्रा वेस्ट के हिसाब से 99 लाख चीप है, जबरदस्त प्राइस है. और ये है वार्डरोब. भाई जयपुर में 4 BHK आ जाएगा 99 में. भाई जयपुर में 1 BHK 20 लाख के अंदर आ जाएगा अगर तुम सिटी से बाहर देखोगे. यहाँ पे ना रियल एस्टेट वाले बहुत हरामी होते हैं. बैंड्रा डाल देंगे लेकिन बैंड्रा के आसपास भी नहीं है घर. I had a threesome with a guy and his mom, and that was like his birth. Wait, what?
I had a threesome with a guy and his mom, and that was like his birth mother. Wait. Hold on. So is my stepmother bini, birth mother. Wait. Hold on. So is when you say threesome, everybody interacted with each other. She was sucking dick. Ew. मुझे वो इमेजरी भी नहीं चाहिए अपने दिमाग के अंदर. नो, जस्ट नो. Spotify shuffle. Every day I wait. Never know if you don't go. I'm gonna pop some crack. Na 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 na. Hit the road, Jack. मैं रंग शरबत. भाई सेम, पता नहीं कब राहत फतेह अली खान से सीधा प्लेबॉय कार्टी से सीधा कान्ये वेस्ट से सीधा बंदी के चूचों पे. Okay. Why did you have to ruin it? ये Spotify पे नहीं मिलती मॉर्निंग भाई, मैंने सर्च कर रखा है. So, can you spit in my mouth? What? Can you spit in my mouth? वो KSI clips पे clips डालना क्यों? Yes. From a tactical standpoint, this is not bad. From a tactical अगर थूक हवा में 3 seconds से कम है, then according to 3 seconds rule, उसके अंदर कोई disease नहीं गई है. Bro, how is this disgusting? Bro, shut the fuck up. तुम लोग literally imagine करते हो कि स्नेहा तुम्हारे चेहरे के ऊपर बैठ जाए. How is this disgusting? तुम लोग literally imagine करते हो कि तुम्हारी crush तुम्हारे चेहरे के ऊपर बैठ जाए. बट फॉर सम रीजन दिस लिटिल इनोसेंट थूक फॉर थूक इज डिस्गस्टिंग. ओके ब्रो, यू आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली फ्रॉम गुड़गांव. भाई यार, ये हरियाणा में हर चीज में रेशो घटिया होता है क्या? एक साइड की सड़क पूरी खाली पड़ी है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई द फक आर यू ट्रैवलिंग फ्रॉम कार्स? तुम्हारे पास लिटरली वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन किस लिए बना रखा है भाई? दिल्ली, दे डिजर्व पोल्यूशन. इनके पास पूरे कंट्री का सबसे बेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, फिर भी ये इतने एक एक लौंडे है ना 6-6 सीटर की एसयूवी में ट्रैवल करते ही है. भाई भीड़ होती है. आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई वुड रादर बी इन मेट्रो की भीड़ देन ट्रैफिक में ऐसा बस घूरते रहो 1 घंटा. वो ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है. Guys, we want a skinny dip in the hot tub with you. Please come. No! These men are attempting the impossible. Survive no nut November. Guys, मेरा तो पूरी मेरे कजन के घर. How is that weird? मेरी कोई कजन बहन ही नहीं है. Like they're trying to make us fail. Boys, help! I'm stuck in the washing machine. Then call the fucking fire department. What sounded like an easy competition for the month isn't so easy 16 days in. Even the slightest temptation could cause one of the boys to burst. Grandma, these are my friends, Chandler, Andy, and Kevin. Well, hello. Smash. Kevin, you are a very handsome young man. I gotta go. And just like that, a soldier has fallen. बुढ़ी ने तोड़ दिया. ठीक है भाई, सबकी अपनी चॉइस. Has fallen. Guys, do you want to play spin the bottle? I can't. I'm saving my first kiss for marriage, you know, so it'll be special. We can make it special. I think we need to go to church. No, let's play 7 minutes in heaven. If you think I'm gonna trade 7 minutes in heaven with one of you for an eternity in hell, you're absolutely right. The boys started dropping like flies. Hey, do you guys still want to play spin the bottle or get in the hot tub? Shut the fuck up, Andy. It's too cold for that shit. Andy did complete the challenge, but at what cost? भाई एक तो जो लोग ना इस चैलेंज को जो फॉलो करते हैं ना, तुम लोग बेवकूफ हो. यू आर स्टूपिड. 1 महीने के लिए दारू छोड़ दे, नहीं 1 महीने के लिए सिगरेट छोड़ दे, नहीं 1 से लिवर जाते हैं, 1 से फेफड़े जाते हैं, बट नहीं 1 मंथ के लिए नो कमी. मुठ मारने से तुम्हारा लाइफ स्पैन कम नहीं होगा. मारो, हिलाओ, स्क्वर्ट करो. इनफैक्ट अभी करो, अभी स्ट्रीम पे करो. जो अभी स्ट्रीम पे 1 किलो का जग भर देगा, उसको मैं अभी 10,000 भेजूंगा पेटीएम. याद मत दिला. क्या ये हुआ है इस साल?
भाई मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया लेकर आएगी, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। नेक्स्ट टाइम फाइनल में मैं जाऊंगा एंड यू ऑलरेडी नो आई एम अ गुड लक ब्रो। आई फील लाइक मुझे तुम्हें ना रिमाइंड कराना पड़ेगा अगर तुम भूल गए हो। You see this? I went inside Wankhede Stadium, India versus Australia. 7 महीने पहले जब मैं देखने गया था, India won. ये सीरीज हारी थी इंडिया, लेकिन जो मैच मैं देखने गया था वो जीती थी. So next time, जहां भी फाइनल होगा, I'm gonna fly there and I will make sure कि इंडिया जीतेगी. और जो अभी KSI हारा है ना, वो एक्चुअली हारा नहीं है. Just trust me on this. अभी अपील का रिजल्ट आने दो, KSI जीतने वाला है, एंड देन मेरा रिकॉर्ड पूरा क्लीन हो जाएगा. भाई बट यार 2011 का भाई ना वर्ल्ड कप नेक्स्ट लेवल ही था. He's doing it easily. मुझे सिर्फ मरने से पहले ये सुनना था कोहली फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, और वो रह गया. और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट नो, दिस कुड बी नॉस्टैल्जिया. मैच को देख के ऐसा क्यों लगता है 2011 में कोई अलग ही एटमॉस्फेयर था स्टेडियम का. बस तुम आवाज सुनो क्राउड की. Another slow ball by man, another amazing shot. Kohli finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. भाई निकल गया. ठीक है जो है है. छोले अब मेरी मम्मी बहुत हल्ला करने लगती, तभी मेरे पापा आकर उनको बहुत मारने लगते और सारे मोहल्ले वाले घर क्या क्या मेरे पापा आकर उनको बहुत मारने लगते और सारे मोहल्ले वाले घर आ जाते और वो पूछने लगते क्या हो गया इतना हल्ला क्यों हो रहा. तभी अचानक पता चलता है कि मेरे पापा उनको बहुत मारे हैं. तभी मेरे मामा आ जाते हैं दुबई से और वो बोलने लगते हैं ये सारे गहने तुम रख लो बहन. तभी मेरे पापा सारे गहने उनसे छीन लेते हैं और वो बोलते हैं चलो तुम मेरे घर साथ चलो. तभी मेरे पापा बोलते हैं हाँ हाँ इसको ले जाओ ये नालायक को, हम इसको अब डिवोर्स देना चाहते हैं, अब हम दूसरी शादी करेंगे. तभी मेरी छोटी वाली बहन बहुत रोने लगती है और बोलती है मम्मी मत जाओ मत जाओ. तो भी मेरी मम्मी चली जाती है मायके और मेरी बहन को बहुत जोर से भूख लगी हुई रहती है तो वो उसके लिए छोले भटूरे बनाते हैं, वो खाकर बोलते बहुत टेस्टी है. Bro, what the f did I just hear? और उसने छोले भटूरे की रेसिपी तो बताई नहीं है. मम्मी के हो गए होंगे bruises, मुझे चाहिए छोले भटूरे की रेसिपी. Actually looks good. Damn, damn. She must want to swallow it. बेकरार करके हमें यूं न जाइए. आप बेकरार करके हमें यूं न जाइए. Okay, wait, first of all, let's break this down. How and why? पहले हुआ कैसे, इस position में आए कैसे? So like what? Like एक डिब्बी में भर के रख रखा था क्या? How is that even possible? Who is shooting this much? बचपन से no net पर है क्या? था कौन shoot कर दिया भाई? See Mehndi. Also भाई, there are children, there are literally thirsty in Africa. This is so disrespectful. Children should be... No. Other countries prime minister. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pit. Homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street. Mira hai channel. Aapko mile iske liye. I don't see anything wrong. I don't see. Our prime minister has clout. Suck it. Just say you are jealous. The subscribers, huh? 19 million bhai. Wait, kya? Viomi. 22,000 videos? How is that possible? Passive income bhai, grind we set. Met in today's generation abusing, trolling, making memes of cricket. Weiler, OG dad. I know this. I think ये 2007 के World Cup के बाद हुआ था. I think मैं तब cricket नहीं देखता था, मैं एकदम बच्चा था. I just realized this जब मैं cricket 07 game खेलता था and मैं देखता था ये India की rating इतनी कम क्यों है. Then I realized भाई इस time जनता बहुत हरामी थी. आजकल लोग Twitter पे बोलते हैं ना कि गड़ में दम है, तो असल में बोल के दिखा. 2007 में बोल भी देते थे, घर पर आ जाते थे बोर्ड लेके, तेरा बाप चूत. 2003 भाई 2003 में तो टीवी फोड़ते थे. Dating in 2020. I mean I've probably talked to like 5-6,000 guys. 5 or 6,000? भाई ये कैमरामैन है ना बहुत हरामी है, सीधा पेट पर ज़ूम करा. So you just through different dating apps or primarily Facebook or Tinder mostly. Okay, so अबे फेस में करना उसका कैमरा, फेस में करना कैमरा. Talk to them to just get attention. Just attention just when I'm bored. They just send me like money and stuff. Oh. How much money? In the past year, I've probably made 10-15,000. 10-15,000? Yo, this whale is making bank! Fat shaming. Bro, this is not fat shaming. Bhai, this is not fat shaming. At this point, this is just deadly, bro. What the f***?
भाई इसलिए मैं बोलता हूँ ये सारे ना डेटिंग एप्स है ना, ये इतना गंदा रेशो होता है ना, इस पे इतना गंदा रेशो होता है। अभी थोड़े टाइम पहले हिंज की बंदी के साथ गया था, उसने अपना हिंज अकाउंट दिखाया, हिंज नहीं बंबल अकाउंट दिखाया, भाई 2000 से ज्यादा मैचेस थे उस पे। कोई बंदी अपना अंगूठा भी डाल देगी ना उस पे 150 मैचेस आ जाएंगे। Man had three beautiful girlfriends, but didn't know which one to marry. As a test, he decided to give each woman $5,000 to see how they would spend it. The first girlfriend went out and got herself a complete makeover. Second went shopping and bought the man new golf clubs, an iPad, and an 80-inch flat-screen television. Sir. Third woman took the $5,000 and invested it in the stock market, doubled her investment return, $5,000 to the man. The man thought long and hard about how each of his girlfriends had spent the... I'm guessing third one. It has to be third one. The man thought long and hard about how each of his girlfriends had spent the money, and then he decided to marry the one with the biggest tits. Okay. What the fuck was the point then? क्या पूरा इतना बड़ा स्क्विड गेम रखने की क्या जरूरत थी फिर? I will never fall for her. Okay, ठीक है. Now we are skipping that one.